Hello everyone. Now we are going to study about irreflexive relation. First term definition dekh lete hain. Relation R is called irreflexive relation if A comma A doesn't belongs to R for all A belongs to A. A comma A means reflexivity show rahi hai yahan pe. Jo relationship belong nahi karna chahiye tabhi wo kehlayega irreflexive relation. Ya example le lete hain hum samajhne ke liye. Jaise main aap example deta hu. सेट ए इक्वल्स टू हमने ले लिया 1, 2 एंड 3. अब इसको हमको निकालना ए कॉमा ए क्या निकल सकता है. ओके अगर हम ए कॉमा ए निकालने का सोचे तो हमको ए कॉमा ए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1, 1 2, 2 3, 3. ओके अब मान लीजिए रिलेशन हमारे पास में आर वन, आर वन के अंदर एलिमेंट्स है 1, 1 2, 2, 1 3, 2. तो क्या ये रिलेशन इरिफ्लेक्सिव है. अगर हम देखें 1, 1 मैच करता ए कॉमा ए से. ओके अगर किसी रिलेशन में रिफ्लेक्सिविटी मैच कर जाए दैट मीन्स वो रिलेशन इरिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाता. ओके तो आर वन कैसा है, इरिफ्लेक्सिव नहीं है राइट. आर टू हम लोग देखते हैं. अगर आर टू के अंदर मान लीजिए 1, 2 है, 2, 1 है, 3, 2 है, तो क्या ये रिलेशन इरिफ्लेक्सिव है. यस ये रिलेशन इरिफ्लेक्सिव है क्योंकि इस रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिविटी वाला एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है. तो इसी रिलेशन का हम क्या बोलेंगे, इरिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब क्वेश्चन ये आता है, अगर ये इरिफ्लेक्सिव है तो क्या इनमें से कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हो तो क्या वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है. तो ऐसा नहीं है. अगर मान लीजिए ये इरिफ्लेक्सिव नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि रिफ्लेक्सिव है. क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 एलिमेंट है रिफ्लेक्सिविटी के तो किसी भी रिलेशन के अंदर तीनों ही एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए तब वो रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव. अगर तीनों के तीनों प्रेजेंट रहेंगे तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ओके अगर तीनों में से एक भी प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, इरिफ्लेक्सिव. ओके इस बात को आप ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होना होगा, तीनों के तीनों प्रेजेंट होना चाहिए तब वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव. अगर तीनों में से एक भी प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, इरिफ्लेक्सिव. ओके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में. थैंक यू.